कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में भाजपा के दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह में केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर अटैक बोला। उन्होंने कहा कि वे जातिगत गणना की मांग करते हैं लेकिन अपनी जाति को छिपाते हैं। केंद्र की नई पेंशन स्कीम पर भी वे बोले। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनोहर लाल के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद दुष्यंत गौतम, अशोक तंवर, राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी पहुंचे। महिलाओं पुरुषों की काफी भीड़ इस कार्यक्रम में जुटी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की गई है। कर्मचारियों की सरकार से पिछले काफी समय से मांग थी लेकिन हमने नई योजना लागू करके कर्मचारियों को फायदा देने का काम किया है। इस योजना को भाजपा के चुनाव मैनिफेस्टो में लाया जाएगा और उसको लागू चुनाव के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन एक साथ पांच छुट्टी होने की वजह से लोग वेकेशन पर चले जाते हैं, इसलिए वोट प्रतिशत कम हो जाता है। हमने आगे इलेक्शन बढ़ाने की बात की है लेकिन कांग्रेस को इस पर दिक्कत है क्योंकि उतना जितना वोट प्रतिशत हरियाणा में कम आएगा उनको इसका फायदा होगा। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डाले जाएं ताकि हर व्यक्ति के मत का सही से प्रयोग हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष जातीय जनगणना करवाने की बात करता है लेकिन वे अपनी जाति बताने से मना करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने दलित पर जो अत्याचार किए हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है। उन्होंने कहा कि यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है जहां युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक संदेश दिया था जो न्याय के लिए था। उनके बताए हुए मार्ग पर सब चल रहे हैं और आज ही उनका जन्मदिन है। वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर एक भव्य मेमोरियल स्थल गुरु रविदास जी महाराज के लिए बनाया जाएगा। उनको दलित समाज की दशा देखकर पीड़ा होती थी। वे डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस बात का श्रेय देते हैं जिन्होंने संविधान लिखा, इसके बाद ये दलित वर्ग कुछ आगे बढ़ पाया। 9.5 साल हरियाणा में उनको सरकार चलाने का मौका मिला। उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। सरकार लगातार दलित वर्ग को आगे लाने के लिए योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं भले ही मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन नायब श्रेणी मुख्यमंत्री हैं जो इस समाज के लिए काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों में आपके समाज के बच्चों की मेरिट होते हुए भी उनको नौकरी पर नहीं लगने देते थे क्योंकि उनकी दबंगई होती थी। अब सामाजिक आर्थिक आधार पर 5% अंक देने का काम किया है, इसका लाभ पिछड़ा समाज को मिला है। उन्होंने इस भर्ती पर भर्ती रोको गैंग खड़ा कर दिया। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आरक्षण को लेकर दूसरी पार्टियों के नेता लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, क्रीमिलेयर को लेकर भी गलत जानकारी दी जा रही है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। राहुल गांधी लोकसभा में कोई लाल रंग की कॉपी लेकर आए थे। हमने पूछा कि इसमें आर्टिकल कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, लेकिन वह बता नहीं पाए। उन्होंने उसको खोलकर नहीं देखा लेकिन झूठा प्रचार करने में वे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बाबा साहब का सम्मान करती है। उन्होंने लोगों से नारा लगवाया कि जो बाबा साहब का सम्मान करेगा देश पर वह राज करेगा। बाबा साहब का जो सम्मान करेगा हरियाणा में वह राज करेगा, लेकिन वह बाबा साहब का अपमान करते रहे। जो बाबा साहब का अपमान करेगा उसको समाज उसको इस चुनाव में हराना है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के मन में कोई खोट नहीं है, उन्होंने दलित समाज के लिए बहुत काम किए हैं। इससे पहले कुरुक्षेत्र के भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने समारोह में कहा कि वे इस कार्यक्रम में आई हुई जनता का धन्यवाद करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि मनोहर लाल का भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत है और वे केंद्रीय और राज्य मंत्री आए हैं, उनका भी वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों की वजह से उनको तीसरी बार सांसद बनने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग की सेवा ही सही मायनों में ईश्वर की सेवा है। आप लोगों के लिए वे बहुत कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर गुरु रविदास मेमोरियल स्थल का शिलान्यास मनोहर लाल के द्वारा किया गया था। 10 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, भाजपा ने दलित समाज के लिए काम किए हैं। नौकरी देने की बात हो या अन्य काम हो, दलित समाज के लोग पीछे नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी हम आज उनको याद किया, उनको भी अमर उनकी रहने की कामना हमने की और गुरु रविदास जी जिनके स्मारक के इस स्थल के ऊपर आज हमने कार्यक्रम किया उनकी भी हमेशा यादगार बनी रहे, ऐसा भी अपील हमने की। खास करके अनुसूचित जाति के समाज के लोग आज यहाँ एकत्र हुए और बहुत सी चीज़ें लेकर के, खास करके संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के कुछ चीज़ें स्पष्ट करना ज़रूरी थी। आप सब लोगों ने सुनी है एकदम, चूँकि विषय ऐसा है, कांग्रेस बहुत कन्फ्यूज़न इसमें डालती है और कांग्रेस का जो झूठ है वो पहले कहीं ना कहीं किसी मात्रा में भले ही वो काम आया होगा लेकिन काठ की हंडिया बार बार चढ़ती नहीं है। इसलिए अब ये विषय सबको ध्यान में आ गया है कि अब संविधान को अगर बचाने वाली, संविधान को पिछड़े दलितों और गरीब समाज के उनके अधिकारों के लिए अगर कोई लागू करने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी कर रही है, आगे भी करेगी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने संविधान को ठेंगा दिखाया, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद, इवन उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को उनका भी विरोध किया, उनके चुनाव के समय विरोध किया, उनको संविधान सभा की अगुवाई करने के लिए उनका विरोध था, फिर भी उनके जो विचारों को देख करके उसमें बीच में जो और अग्रणी लोग थे
उन्होंने सहमति बना करके और उनको संविधान की इस सारी निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर अम्बेडकर जी को आगे रख करके और ये सारी जो पूरा किया, ये गरीबों को, दलितों को, वंचितों को उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनको बराबरी का स्थान दिलाने का एक बहुत बड़ा उपाय संविधान में है। सर, आपको लग रहा है कि और इसी तरह के दलित सम्मेलन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में दलित और जो जाटों का कॉम्बिनेशन के कारण नुकसान भी उठाना? मैंने तो पहले आपको बताया कि हो सकता है कुछ लोगों पर उसका प्रभाव हुआ होगा, लेकिन काट की इंडिया बार बार चढ़ती नहीं है, और वो तो चाहें उनकी मर्जी चले तो दलित समाज को, पिछड़े समाज को वोट भी ना डालने दें। हम तो हमेशा मताधिकार अधिक से अधिक कैसे हो, कैसे लोग अपने राइट ऑफ फ्रेंचाइजी का, वोट का उपयोग करें। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चुनाव की तिथि को लेकर के लगातार 4 छुट्टियां आगे पीछे पड़ रही हैं, और उन 4 छुट्टियों में एक छुट्टी लेने के बाद 5 छुट्टियां हो जाती हैं। बहुत बड़ा ये विषय है कि बहुत से लोग वोट के महत्व को कम समझते हुए घूमने निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो हमने यही कहा कि वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमने अपनी पार्टी की बात नहीं कही, हमने एडल्ट फ्रेंचाइज की संविधान की एक जो मर्यादा है या संविधान की जो एक जो इच्छा है लोगों को वोट डालने के लिए जो एक प्रेरणा दी गई है उसको पूरा करने के लिए हमने आह्वान किया, और वो इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब उनको तो लगता है कि वोटिंग कैसे हम कम करा सकें, और मुझे अंदेशा है कि अगर इसी प्रकार का वो स्टैंड रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दलित समाज को, पिछड़े समाज को कहीं ऐसा ना हो कि वोट देने से भी वो वंचित करने के लिए प्लानिंग बना ले। लेकिन हम बिल्कुल होने नहीं देंगे, ये दबंगाई चलने नहीं देंगे, दंगा मस्ती चलने नहीं देंगे। बीजेपी भी नहीं जाऊंगा, अगर मेरी संख्या हुई तो मैं इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता हूँ। किसने बुलाया उनको? तीसरी बार निश्चित रूप से आएगी, और ये हरियाणा का एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता है यहाँ के श्री नायब सिंह सैनी, उनके नेतृत्व में चुनाव हरा करके और निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत सरकार। नहीं, मैं कह रहा हूँ झूठा प्रचार कर रही है ना, और झूठ को ठीक करने के लिए ही आखिर हमको आप लोगों का भी सहारा लेना पड़ रहा है, हमको समाज के लोगों का भी सहारा लेना पड़ रहा है ताकि झूठ ना चले। और ये झूठ मैंने बताया बार बार चलता नहीं है, झूठ एक बार चल जाता है, इसलिए मैंने फिर शब्दों का प्रयोग किया।